अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमटीएस न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। चंद्रायन गुट्टा में एक शख्स का कत्ल। चंद्रायन गुट्टा में 3 दिन कबल झगड़े के बाद चाकू के वार से जख्मी होने वाले 37 इयर्स के शख्स की वेनेसडे की सुबह इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। चंद्रायन गुट्टा इंस्पेक्टर KN प्रसाद वर्मा ने कहा कि मुतासरा ईसा बिन सईद जैदी 37 इयर्स के जो फारूक नगर फलकनुमा के साकिन थे, पीर की रात चंद्रायन गुट्टा के पीली दरगाह रोड पर बारकस के एक मोहसिन अली से मिलने गया था, क्योंकि इसने इसे कुछ जारी मसले पर बात करने के लिए आने को कहा था। मोहसिन ने ईसा के साथ बहस की और इल्ज़ाम लगाया कि वो अपने ख़ानदान को इसकी बुरी आदतों के बारे में आगाह कर रहा है। बहस के दौरान मोहसिन ने एक चाकू निकाला और ईसा के पेट में खोप कर वहाँ से फरार हो गया। शदीद जख्मी ईसा को एक प्राइवेट हॉस्पिटल और बाद में उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वेनेसडे की सुबह इसकी मौत वाक़ हो गई। चंद्रायन गुट्टा पुलिस ने इब्तदाई तौर पर IPC की दफ़ा 307 के तहत कत्ल की कोशिश के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया था और इस शख्स की मौत के बाद IPC 302 कत्ल में तब्दील किया और मुशतबा शख्स को हिरासत में ले लिया। आइए देखते हैं इस खसूस में कुछ तफसील हमारी ये खास रिपोर्ट में। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल MTS न्यूज़ नेटवर्क को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खालिद बिन सईद जैदी है, हमारे भाई का नाम ईसा बिन सईद जैदी है। उनको जो है सो बात करने के ऊपर बुला के चाकू से मारे और ज़्यादा ज़ख्म होने से उनको तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त हो रही थी, इसलिए उनका इंतकाल हो गया। और कुछ 13 तारीख के दिन हुआ ये, और ये हुआ हादसा पीली दरगाह जमाल वंडा खालिद मियाँ की दरगाह में। खुसूसन फ़ोन करके बुलाए, अलग बच्चा बुलाया था, अली बर्रावाज बोल के नाम है बच्चे का। वो बच्चा फ़ोन करके बुलाया, यहाँ आओ बात करना है, ऐसा कुछ ज़्यादा मसला नहीं था। कुछ बात करने पे से बुलाए और सीधा चाकू निकाल के मार दिए। कुछ ज़्यादा डैमेज होने से ऐसा इंतकाल हो गया उनका, धोखे में मारे हॉस्पिटल में, उस्मानिया हॉस्पिटल में। अवेसी हॉस्पिटल को लेके गए थे, अवेसी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होना था, पैसे ज़्यादा अमाउंट बोल रहे थे। इलाज नहीं होने की सूरत में हम उस्मानिया हॉस्पिटल लेके आए, उस्मानिया में लेके आए बाद ट्रीटमेंट चालू करे, उस्मानिया में इनका डेथ हो गया। आज क्या तारीख है, कब हुआ था ये? 13 तारीख 13 तारीख के दिन हुआ। आज क्या तारीख है? 15 तारीख है आज। दो दिन हुआ, दो दिन से ट्रीटमेंट चल रहा था। ऑपरेशन हुआ, मारेस वाले को भी पकड़े। अभी फिलोखत पुलिस स्टेशन में उनसे पूछताछ भी करे तो मैं हाँ मैं मारा बोल के बोल रहे। चंद्रायन गुट्टा PS अंजलि वर्मा साहब, ऐसा ही सरकार हुकूमत से हम इंसाफ चाह रहे हैं। बच्चे का जो आदमी है उसका कुछ ऐसा रीजन नहीं था जो उसको भुला के मारे चाकू से, सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और उसके वास्ते बच्चों, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो ओला कैब चलाता था, ड्राइवर आदमी था, किसी के बीच में अमल दखल नहीं था, कोई ऐसा लड़ाई झगड़े में नहीं था उन्हें, फिर भी उसको नाजायज़ बुला के, थोड़ी सी बात थी बात करने के वास्ते बोल के बुला के उसको ऐसा चाकू से मार दिया। कितने बच्चे थे उनके? 2 बच्चे हैं, 8-10-11 साल का बच्चा है, 8-9 साल की बच्ची है।